वेलकम टू मोहिनीस फूड मैजिक। आज मैं आपके लिए एकदम हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ, वो है ओट्स चीले की, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और यदि आप वेट लॉस करना चाहते हैं और नॉर्मल वाले ओट्स खाकर बोर हो गए हैं, तो चलिए आज हम उसे चीले के रूप में बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। ओट्स चीला बनाने के लिए मैं ले रही हूँ नॉर्मल वाले 1 कप ओट्स। यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। अब इन ओट्स को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसको रोस्ट करने से ओट्स का कच्चापन निकल जाता है और उसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। तो अब मैंने ओट्स अच्छे से रोस्ट कर लिए हैं। ओट्स को अच्छे से ठंडा कर लेंगे और उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका एक फाइन पाउडर बनाकर रेडी कर लेंगे। पाउडर बनकर रेडी हो गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसे एकदम फाइन बनाया है। अब इसी मिक्सर ग्राइंडर में हम डाल देंगे 1.5 कप छाछ। मैंने यहाँ पर खट्टी छाछ यूज़ की है, आप इसकी जगह दही भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे 1 इंच अदरक के टुकड़े को कट करके, 1 हरी मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक डालकर इन सभी चीज़ों को हम मिक्सर में एक बार पीस लेंगे। और ये देखिए, हमारा जो बैटर है वो बनकर रेडी हो गया है। अब इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब बैटर में हम डाल देंगे हरा धनिया कट करके, और उसके साथ ही इसमें हम ऐड कर सकते हैं गरम मसाला या फिर आप 1/4 टीस्पून हींग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, जो हम नॉर्मल चीला बनाते हैं वैसी ही है। अब मैं एक तवे को गर्म कर लूँगी, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और तवे को हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने से तवे पर ये हमारा चीला अच्छे से निकल जाएगा। और मैंने ग्रीस कर लिया है और अब इस पर हम बैटर डालेंगे। इसकी जो थिकनेस है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसे यदि पतला बनाना चाहते हैं तो पतला बना सकते हैं, या फिर आप हम जो चीला बनाते हैं उसी तरह से बना सकते हैं। और अब मैं इसे ढक कर 1 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। 1 मिनट हो चुका है और एक साइड से जो हमारा ओट्स चीला है वो सिक चुका है। थोड़ा सा हम ऑयल डाल देंगे और इसके हम पलट लेंगे। तो ऑयल आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत कम ऑयल का यूज़ किया है। और देखिए, हमारा ओट्स चीला बनकर रेडी हो गया है। मैं इसी तरह से सारे चीले बना दूँगी और आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें कि आपको बहुत पसंद आएगी। और मैं इसे सर्व कर रही हूँ दही के साथ। उसके साथ आंवले की मीठी चटनी ली है और आंवले की ही मैंने हरी चटनी बना कर ली है। दोनों की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और यदि आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।